तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में जो जूता जोटा क्या नाम है उसका, ठीक है, जो नया कैरेक्टर आया है उसका और अलोक का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि भाई उसकी एबिलिटी क्या है फुल में, तो डिटेल से देखेंगे। तो ये जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऑफर मिल रही है कि आपको 100 डायमंड के टॉप अप पर आपको ये मिल रहा है। तो किसी और कंट्री के सर्वर में भाई इस तरह से आया था कि आपको जैसे एलवारो आया था और नटोरा आया थे कि करेक्टर रॉयल में, मतलब एलवारो तो आया था टॉप अप पे ही, लेकिन जो नटोरा थी वो आपको लक रॉयल में आई थी उसमें करेक्टर रॉयल के अंदर। तो इसी तरह से आपको एलवारो में टॉप अप इवेंट के अंदर मिला था। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऑफर है कि आपको सिर्फ 100 डायमंड के टॉप अप पर ये करेक्टर मिल रहा है। और ये जो इस करेक्टर की एबिलिटी है ना भाई, बहुत ज़्यादा कतई ज़हर इसकी एबिलिटी है। तो इसको मैंने लेवल 4 का, मेरे पास कार्ड पड़ा था, मैंने लेवल 4 का कर दिया। अब इसकी एबिलिटी हो चुकी है कि मतलब ये पर डैमेज पर बढ़ाएगा मेरी हेल्थ, ठीक है, 34 तक। 34 मतलब SMG, ये शॉटगन में एक गन को नहीं, ठीक है, ये ऐड कर रहा, वो जो छोटी वाली दो वाली शॉटगन होती है ये नहीं, मतलब वो दूसरी M1873 जो मतलब पिस्टल्स वगैरह की जगह पर आती है, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ होता है। तो अभी इसकी एबिलिटी देखो गौर से, 200 मेरी हेल्थ है, 9 रह गई, ठीक है। अब मैंने उस बंदे को ख़त्म किया, अभी ये लेवल 4 का है और 53 हो गए, ठीक है। और अब देखो 25 मेरी हेल्थ है, 26 हो गई, अब ये बंदा आया ख़त्म, ठीक है, अभी होगी 74, ठीक है। तो दोस्तों, ये पेंडा भी साथ में है, ठीक है, पेंडा की एबिलिटी भी है, जो 10 हेल्थ है वो पेंडा बढ़ा रहा है और बाकी की ये, ठीक है, बढ़ा रहा है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है इनका दोनों का ग्लो और इसका कंपैरिजन होगा। लेकिन अगर भाई जिनके पास ये नहीं है ना भाई, उनके लिए तो ये भाई बहुत ज़्यादा गेम चेंजर दोनों हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं तो नहीं चाहता था कि इनको दोनों को मतलब इकट्ठा डाल दिया जाए। तो अब ये दोनों जो मतलब जिसके पास है ना, उसको मेडकिट की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, एक आधी मेडकिट रख ले भाई, उसके बाद उसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर मैंने एक मेडकिट यूज़ की, अगर मैं ना भी यूज़ करता तो भाई मेरी हेल्थ फुल हो जाती थी, क्योंकि एक बंदा और आया था और उसको मैंने ख़त्म कर दिया और उसके बाद मेरी हेल्थ फुल हो गई। एक दो बंदे मारे मैंने और अलोक कभी यूज़ नहीं किया, अगर मैं अलोक यूज़ करता तो भाई मेडकिट की तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर बंदा मारा, ऊपर दो बंदे हैं, मेरी हेल्थ देखना। तो इसका एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि 5 सेकंड के अंदर अंदर ये कूल डाउन हो जाता है, मतलब आप इसकी एबिलिटी को 5 सेकंड के बाद यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। आप बंदा मारो, 5 सेकंड के बाद अगर आप फिर से SMG या फिर किसी शॉटगन से मारोगे तो आपकी ये बढ़ा देगा। तो यहाँ पर मेरी हेल्थ 20 की लाइन में रह गई थी और फिर से मैंने अलोक यूज़ किया और उसके साथ ये बंदे को ख़त्म किया। अब 1 सेकंड और मैं लेता तो भाई मेरी फुल हेल्थ हो जानी थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि 50 मेरी हेल्थ थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे हील नहीं करूँगा और देखते हैं हेल्थ मेरी कहाँ तक बढ़ती है, ठीक है। तो 50 हेल्थ थी और ये बंदा आया और इसको ख़त्म करने के लिए हेडशॉट ड्रैग लग गया और ये ख़त्म हो गया। अभी यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं, भाई रीलोड हो रही है, ये हो गई मेरी 71 की हेल्थ, ठीक है ना दोस्तों, 71 की हेल्थ होगी। आगे मैंने सोचा कि भाई नहीं यूज़ करूँगा, दो बंदे और आएंगे, फुल मेरी बिल्कुल बहुत ज़्यादा लो HP हो जाएगी, 20 से भी कम HP हो जाएगी, फिर भी ये बंदा जो है मतलब मैं जैसे ही उसको फिनिश करूँगा मेरी हेल्थ फिर से फुल हो गई, ठीक है। तो ये दोनों जो करेक्टर हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा OP हैं। तो होप करता हूँ कि वीडियो को आप पसंद आ जाए, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ख्याल रखना, बाय बाय। देखो 67 अपना ख्याल रखना, बाय बाय।